हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज मैं आप लोगों को डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। यूनिट वन का नोट्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके अलावा अगर आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस यूनिट के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हालांकि ये सब चीजें आप लोग 11, 12 में पढ़ चुके हैं, फिर भी जो बेसिक चीजें हैं मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो डाल्टन नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने 1803 में, मतलब ये सब चीज आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए है, फिर मैं आप लोगों को नोट्स के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये जो डाल्टन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1803 में एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रस्तुत किया था। मतलब उन्होंने यह बताया था कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे छोटे कण उसमें जो पाए जाते हैं वो परमाणु होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि एटम से छोटा और कोई हो ही नहीं सकता, मतलब जो सबसे छोटा होता है वो जो होता है वो एटम होता है, 1803 में उन्होंने दिया था, ठीक है। लेकिन जब 20वीं शताब्दी की बात है, जब जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड नामक और भी साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने ये जो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी जो प्रस्तुत किया था उन्होंने उसे गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो परमाणु से मिलकर के तो बने होते हैं, लेकिन परमाणु के अंदर भी और छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने साइंटिस्ट आते गए उन्होंने अपना नया नया सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत, मतलब वो अपना नया नया जो थ्योरी है उसे प्रस्तुत करते गए, क्योंकि जो पहले के समय में उतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स, उतने अच्छे सूक्ष्मदर्शी जो है वो नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वो बहुत अंदर तक वो नहीं जा पाते थे। तो टाइम टाइम पर जो नए नए साइंटिस्ट आते गए उन्होंने उनके थ्योरी को जो है वो गलत साबित करते गए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड नामक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो भी थ्योरी दिया मैं आप लोगों को इस यूनिट में बताऊंगी, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु होते हैं, मीन जो एटम होते हैं, वो भी और छोटे छोटे पार्टिकल और छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो है वो बने होते हैं। बीच में जो है वो प्रोटॉन होता है जिसमें प्लस चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर, ठीक है, चारों ओर जो है वो घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बाद में वेव थ्योरी, मतलब तरंग सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, ड्वेल नेचर प्रकृति, ये सारा चीज उन्होंने, नए नए साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत करते गए। तो हम इस यूनिट में इन सारे सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पदार्थ है वो कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और उसकी जो है वो नेचर क्या क्या होती है, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से क्वालिटी होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली समीकरण। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उन्होंने, मतलब लुईस डी ब्रॉगली ने क्या सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। तो देखते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। लुईस डी ब्रॉगली ने सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार प्रकाश, जो सामान्यतः तरंग है, एक कण की भांति जो है वो व्यवहार करते हैं, मतलब लुईस डी ब्रॉगली ने सन 1924 में, 1924 में यह बताया कि जो लाइट होते हैं वो एक तरंग के समान व्यवहार करते हैं और वो छोटे छोटे कणों से मिल करके जो है वो बने होते हैं। इन्होंने बताया कि जब प्रकाश, मतलब जो लाइट है, वो वेव की भांति अपना बिहेव कर सकता है, मतलब एक तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है जबकि वो एक कण है, तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है, जो सामान्यतः कण है, वो तरंग की भांति भी व्यवहार करेगा। हम लोगों ने इतना तो जाना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल्स, मतलब एक कण की भांति जो है वो व्यवहार करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने अपने इस समीकरण में यह बताया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन कण की भांति व्यवहार करते हैं तो वो तरंग के समान, मतलब वेव के समान भी व्यवहार करेंगे, क्योंकि जब प्रकाश जो है वो सामान्यतः एक तरंग है, वो कण की भांति व्यवहार करता है, तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो सामान्यतः एक कण है, तो वो भी तरंग की भांति जो है वो व्यवहार करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर है, मतलब पदार्थ की दोहरी प्रकृति, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसमें डबल क्वालिटी पाई जाती है, एक तो वो कण है, ठीक है, एक तो वो कण है और दूसरा वो एक तरंग की भांति, एक तरंग के समान भी वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यही चीज को इसमें हम पढ़ेंगे। इस धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की दोहरी प्रकृति, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसमें डबल क्वालिटी है, ठीक है, ड्वेल नेचर है, अर्थात तरंग जैसी, मतलब वेव के समान भी व्यवहार करते हैं, और कण जैसी, मतलब छोटे पार्टिकल कण के समान भी जो है वो व्यवहार करते हैं। जब इन कणों को तरंगों जैसा माना जाएगा, ठीक है, जब हम लोग ये जो कण है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसको हम मान रहे हैं तरंग की भांति ये व्यवहार करता है,
तो उनमें भी सभी गुण होंगे जो तरंगों में पाया जाता है, मतलब जो एक वेव में जो क्वालिटी पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन में भी पाया जाएगा, जैसे कि फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, तरंग आयाम, वेव एप्लीट्यूड, बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज होंगे इलेक्ट्रॉन में जो एक तरंग में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। क्वांटम थ्योरी से किसी फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत से किसी जो फोटोन की ऊर्जा होती है तो इक्वल होता है एच न्यू। तो ये जो एच होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मतलब जिसे हम प्लैंक स्थिरांक भी हम कहते हैं, या ये जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है, मतलब विकिरण की आवृत्ति जिसे हम कहते हैं। तो इसे हम लोगों ने समीकरण एक माना है। बस आप लोगों को याद ये करना है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू। हालांकि आपने जो क्वांटम थ्योरी अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, हो सकता है 11, 12 में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे डी ब्रॉगली समीकरण में आप लोगों को दो चीज याद रखना है, आइंस्टीन का समीकरण और क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी में फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, एच इक्वल ई इक्वल एच न्यू, समीकरण एक। फिर आइंस्टीन के समीकरण से हम क्या पढ़ेंगे, ई इक्वल होगा एम सी स्क्वायर, जहां एम होगी द्रव्य की मात्रा और सी होगा प्रकाश का वेग, इसे हम मानेंगे समीकरण दो। दो चीज को आप लोगों को एकदम से याद करना ही पड़ेगा, सबसे पहला तो क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन के समीकरण, समीकरण एक में होगा ई इक्वल एच न्यू समीकरण एक और ई इक्वल एम सी स्क्वायर समीकरण दो। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमें दो समीकरण प्राप्त हुआ था, इसे हम लिखेंगे समीकरण एक और दो से, एच न्यू इक्वल होगा एम सी स्क्वायर, मतलब ये जो दोनों समीकरण वन और टू है उसे हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं एम को अगर हम इस तरफ ला दे तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। समीकरण तीन हमें प्राप्त हुआ। फिर समीकरण चार में हम देखेंगे जो सी स्क्वायर है, ठीक है, तो एक सी को हम एम के साथ जो है वो कंबाइन कर देंगे एम इंटू सी, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा एच इंटू न्यू अपॉन सी इक्वल एम सी, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण चार। फिर ये जो न्यू अपॉन सी है, ठीक है, न्यू अपॉन सी है उसे हम एच अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू अपॉन सी इक्वल हम वन अपॉन लैम्डा लिखते हैं, इस वजह से हम इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं एच अपॉन लैम्डा इक्वल एम सी। तो उसके बाद हम देखेंगे ये जो लैम्डा है अगर हम एच को इस तरफ शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम सी, तो ये हो जाएगा हमें हमारा समीकरण पांच। फिर उसके बाद क्या होगा, समीकरण पांच जो है वो प्रकाश के कण फोटोन के लिए प्राप्त होती है, जहां पे सी जो है वो प्रकाश का वेग है। तो ये जो हमारा समीकरण पांच प्राप्त हुआ है वो प्रकाश के कण के लिए है, मीन्स फोटोन के लिए है, फोटोन के लिए जो है वो प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम सी प्रकाश का वेग जो है उसे मानेंगे। ठीक है, फिर डी ब्रॉगली ने सुझाव दिया कि यह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि के लिए भी लागू किया जा सकता है, मतलब ये जो हमें समीकरण पांच प्राप्त हुआ था ये तो प्रकाश के कण के लिए है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब इसे प्रकाश के कण के लिए ये जो सिद्धांत है उसे हम लागू कर सकते हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन के लिए भी ये जो समीकरण पांच है उसे हम लागू कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, सी के स्थान पर उस कण का वेग वी रखा जा सकता है, मतलब ये जो हमारा सी है उसकी जगह हम वी रख सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसे यूज करें तो। तो हमारा हो जाएगा लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, तो ये हमारा समीकरण छह हो गया। और ये जो समीकरण छह है वही डी ब्रॉगली समीकरण जो है वो कहा जाता है, मेन हमें यही प्राप्त करना था जिसे डी ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल होगा एच अपॉन एम जो कि द्रव्यमान है एम, ठीक है, और वी है जो वो कण का जो है वो वेग है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं h अपॉन p संवेग, क्योंकि इस p संवेग p इक्वल होता है m इंटू वी। ठीक, तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ लैम्डा वन अपॉन p, ठीक है, तो h यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट होगा, इस कारण ये जो h है वो हट चुका है। ठीक है, देन संवेग इक्वल लिख सकते हैं, मतलब कहा जा रहा है कि किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आया, किसी गतिशील कण का जो संवेग होता है उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लास्ट में हमें यही प्राप्त करना था समीकरण सात। बहुत ही इजी है, जो हमें समीकरण पांच प्राप्त होगा वो हमें जो है वो प्रकाश के कण के लिए प्राप्त होगा, मतलब फोटोन के लिए प्राप्त होगा। तो जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन के लिए सुझाव दिया, तो हम लोगों ने सी की जगह वी लिखा है और हम इसे इस प्रकार से भी जो है वो लिख सकते हैं। आई होप यू गाइज ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।